शराब पीकर पत्नी को मौत के घाट उतारने के मामले में कुक्षी पुलिस ने एक्टिव अंदाज दिखाया है, जहां पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए 2 घंटे में आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। कुक्षी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आरोपी युवक ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मृतका के पिता ने पुलिस को बताया कि दामाद ने फोन लगाकर मेरे बेटे अनिल को बताया कि तुम्हारी बहन रेशम घायल हो गई है, जिसे मैं बड़वानी जिला अस्पताल ले जा रहा हूं। जिसके बाद मैं भी परिवार के साथ बड़वानी जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों के द्वारा पूछताछ पर दामाद प्रकाश ने शराब पीकर मारपीट करने की बात कबूल की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 29/4 को जो है वो फरियादी कड़ू पिता रड़ू निवासी कदवाल जो बाग थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसने थाने पर सूचना दिया कि उसका जो जमाई है प्रकाश उर्फ अजय पिता बेस्ता भील निवासी लोहारी, उसने बताया उसके लड़के को, फरियादी के लड़के अनिल को, कि जो आपकी लड़की रेशम भाई मतलब उसकी पत्नी वो घायल हो गई है, इसको और उसको मैं सरकारी अस्पताल बड़वानी लेकर जा रहा हूँ। इस सूचना पर जो है वो कड़ू जो है लड़की का पिता वो और उनका लड़का अस्पताल बड़वानी पहुँचे, वहाँ उसको देखा तो उसको चोटें थी। और जब बाद इस सूचना पर जो है वो पुलिस द्वारा जो है आरोपी अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध के लिए विवेचना की गई। जब विवेचना के दौरान महिला और रेशम भाई का जो पति है प्रकाश रूप अजय, उससे बारीकी से और टेक्निकली पूछताछ की गई, तो उसने स्वीकार किया अपनी पत्नी के साथ कि शराब पीने को लेकर के हमारा जो है विवाद हुआ था और मैंने उसके साथ मारपीट की थी, मारपीट करने से उसकी जो है हत्या उसे मृत्यु हो गई थी, जिससे उसमें हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस हथियार से मारा है वो भी बरामद कर लिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नशे की हालत में आरोपी युवक ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज, कुक्षी।